साड़ी में अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अरे वाह, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, हम इस टेबल पे बैठते। एक्सक्यूज मी सर, साहब इधर मत बैठिए, आपके लिए स्पेशल टेबल रिजर्व है सर, प्लीज आइए। परगीत, हमने तो कोई टेबल रिजर्व नहीं की थी। नहीं। प्लीज सिट सर। देखते हैं। तुम्हें लगता है ये कुछ ज्यादा कर रहे हैं? एक मिनट, ना तो आपने खाना ऑर्डर किया है और ना ये सब इंतजाम करने को कहा था। साहब हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है सर। पर हम आपके स्पेशल गेस्ट कैसे हुए और आप लोग हमारे स्पेशल अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? सर मुझे नहीं पता, हम सब तो वही करते हैं जो मैनेजर कहते हैं। ये तो हाथ हो गए, पर हमारे बिना कहे आपका मैनेजर हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है और इसका बिल कौन देगा? सर आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैनेजर साहब ने कहा है कि आपसे कोई बिल ना लिया जाए। हमारा बिल कोई और क्यों देगा? तुम एक काम करो, यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप ये सब हटाइए, हमें जो ऑर्डर करना होगा हम कर देंगे। ठीक है सर। आपका मैनेजर कहाँ है? सर वो अपने कैबिन में होंगे सर। एक्सक्यूज मी जी, कहिए ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। आप हमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? कभी हमारे रूम को सजा दिया जाता है तो कभी कैटल है डिनर, ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आपके वेटर्स कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन आपसे मिल रही है और ये भी कहा है कि हम आपके स्पेशल गेस्ट हैं। ओ, दरअसल मैं यहाँ का मैनेजर नहीं हूँ, उनका दोस्त हूँ और यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ। ओ मैसेज आप अपने फ्रेंड को दे दीजिएगा और कहिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। श्योर सर। थैंक यू। मान बात हुई मैनेजर से? नहीं, वो अपने कैबिन में नहीं था, पर मैंने उसके लिए मैसेज छोड़ा है, पता तो चले कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था। मान ये सब छोड़िए ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो करने दो, वैसे भी हमारा कौन सा नुकसान है, अच्छी बात है ना, फ्री का खाना, फ्री का केक, बल्कि मैं तो कहूँ अगली बार हम इसी होटल में रहने आएंगे, है ना? तो तुम्हें फ्री की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं? नहीं मान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस सोच रही थी अगर कोई दिल से कुछ करना चाहता है तो हम उस बेचारे का दिल क्यों तोड़े। मगर ये सब छोड़िए, हम खाना खाते अच्छा सा। भाई साहब। यस मैम। आपके रेस्टोरेंट में पंजाबी खाना तो मिलता होगा ना? यस। Yes. हाँ, तो एक पनीर टिक्का, एक दाल मखनी, चार नान, रायता, मसाला पापड़, हाँ इतना लेके आइए, और हाँ जीरा राइस भी लाइएगा। Okay. और थोड़ा अचार भी। ओके मैम। गीत, पूरे होटल को खिला रही हो? मान, इतनी बड़ी बॉडी आपकी मगर खाना इतना सा खाते हो। गीत, मैं नॉर्मल इंसान हूँ तो नॉर्मल खाऊंगा ना। देखा फिर से आप। एक मिनट। हेलो। हेलो सर, एक मिनट की। हेलो हेलो, हाँ शर्मा जी, आपकी बात सुनाई दे रही है, मैं एक या दो दिन में लौट जाऊंगा। आप एक काम करिए, ऑफिस में जाके अपनी फाइल देख कर लीजिए और जैसे आप वहां पहुंचते तो मुझे मैं आपको फोन करता हूं। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जो हमें छुप छुप के देखता रहता है? क्या हो रही है, छुप के क्या देख रहे हो? जी जी। क्या तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम, जब से मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे आए तुम हमारा पीछा कर रहे हो,
चुप चुप के देख रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? आप क्या बात कर रहे हो, मैं आपकी बीवी को क्यों देखूंगा जब मैं अपनी एनिवर्सरी मनाने अपनी बीवी के साथ आया हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है और मैंने अपनी बीवी के लिए एक सरप्राइज रखा है। मैं वही देख रहा हूँ कि वो उसको देखकर कितना खुश होगी। वो रही मेरी बीवी। कुछ तो कर पड़े, मैंने तेरे को सरप्राइज देना और किसी काम में फॉलो करना। देव, ये सब क्या है यार, तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? क्योंकि मैं खुद उनके सामने नहीं आ सकता। ये काम तो आपको 2 लाख रुपए में करके देना पड़ेगा। अरे राठौर साहब, 2 लाख में आज की तारीख में आता क्या? इतने में नहीं होगा साहब, 3.5 लाख से कम में मंडप नहीं बनेगा। देखिए जाने भाई, मैं आपसे पहले भी काम करवा चुका हूँ, लेकिन क्या इससे पहले मैंने आपको बजट कम करने के लिए कभी कहा? थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आगे हमें बहुत सारा काम करना है एक साथ। देखिए इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ एडजस्ट करूंगा। राठौर साहब, थोड़े से टाइम में आपने मार्केट की नफ्स पकड़ ली। चलो ठीक है, आपको नाराज कैसे कर सकता हूँ, आप 2 लाख दे दीजिए, मुझे मंडप की डिजाइन दिखा दीजिए। वो तो मेरी पार्टनर दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं। हेलो, हाँ वो एनी मैम को मेरे कैबिन में भेजो मंडप की डिजाइन देखने के लिए। ओके। राठौर साहब, आपकी नई पार्टनर काम बहुत अच्छा जानती है, लेकिन जुम्मा 4 ही दिन हुआ उसे आपकी कंपनी खरीदे, मगर मार्केट में उसके नाम का चर्चा है। ये जानी भाई, नमस्ते जी। हमारी कंपनी का सारा काम यही देखते हैं और आगे भी जो मंडप बनाएंगे यही बनाएंगे। देखिए, मैंने मंडप के लिए ये डिजाइन फाइनल किए हैं। मुझे मंडप पिरामिड शेप में चाहिए और उसके सामने एंट्री के लिए एक लंबा सा कॉरिडोर चाहिए। हेलो मानव, या ओके, ऑल राइट, ओके बाय। अर्जुन, मानव का फोन था, वो शादी के लिए रिंग्स देखना चाह रहा था। वेल नॉट अ प्रॉब्लम, ज्वेलर का फोन आया था, रिंग रेडी है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ऑल राइट, तो फिर मैं उसको ऑफिस आने के लिए बोल देती हूँ ना। ठीक है, मुझे वैसे भी केटर से मिलने जाना है, कुछ 1 घंटे में लौट आऊंगा, फिर हम डेकोरेटर से मिलके बात कर लेंगे। ओके। पापा, अनी, ट्रिप्स का? और रोमियो, ये तुम बाहर रखो सब। अनी बेबी, ये कुछ और ज्वेलरी आई है, इन्हें कहाँ रखूँ? मनीषा, एक ही सवाल कितनी बार पूछोगे? वहाँ सामने टेबल पर। सॉरी बेबी। पिंकी, मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है। ये ललित जी यूपी वाले ऋषिकेश गांधीनगर के और निसार परवेज फ्रॉम असम, इन सबको तो कार्ड भिजवाते लेकिन वो मेजर चौधरी की कार्ड नहीं मिल रही। सॉरी वो मैं लिखना भूल गई, एक काम करो ना तुम लिख दो, मुझे वो ड्रेस देखने। अरे पिंकी प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा पेन तो छोड़ के जाओ, लाओ दिखाओ। ओह माय गॉश पिंकी, व्हाट इज दिस? यू नो दुल्हन की साड़ी और इतना पतला बॉर्डर, दिस इज नॉट डन यार, तुम्हें इसकी एम्ब्रॉयडरी फिर से करानी पड़ेगी। ओके मनीषा, तुम्हें पता है कि एम्ब्रॉयडरी कराने में कितना टाइम लगता है? नहीं ना, तो जो बारे में नहीं पता होता उसके लिए काम मत अड़ाया करो, और वैसे भी ये साड़ी दुल्हन के लिए उसकी मम्मा की है। मैडम दुल्हन की रिंग आ चुकी है। अरे दिखाओ तो जरा इधर।
बहुत अच्छी है। देखना रोमियो, ये कैसे फ्लावर्स है। हाँ हाँ मैं आया। वाओ, आपका ऑफिस तो बिल्कुल किसी दुल्हन के ड्रेसिंग रूम की तरह लग रहा है। बड़ी मुश्किल से अब जाकर ये सारा सामान यहाँ पहुंचा है। आज मेरी जान में जान आई। That's nice. वैसे मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? थैंक यू फॉर आस्किंग, लेकिन अब तो नियरली सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वैसे दीदी, हाँ जी, रीना दीदी आई है मेहंदी वाली। आई आई अर्जुन, what's up? यार तुम लोग को देखकर इतनी बात तो समझ में आ गई कि वेडिंग प्लानिंग कोई आसान काम है। I mean, एक शादी को सक्सेसफुल करने के लिए इतनी सारी मेहनत, वो भी इतने सारे लोग, it's commendable I should say। हमारा मोटो तो यही होता है कि जिस काम को हाथ लगाओ उसे पूरी ईमानदारी से करो, फिर वो वेडिंग प्लानिंग हो, दुश्मनी हो या फिर प्यार। पर वो अलग बात है कि यहाँ कुछ लोग मुझे अग्री नहीं करते। इतना तो मैं भी जानता कि कम से कम प्यार तो ईमानदारी से होना चाहिए। What's it? Wow, look at it, Pinky. अरे देखो ना, ये कितना अच्छा डिजाइन है ना? ये अच्छी है। माना, what do you think? कैसा डिजाइन है ये? यार मुझे ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। Annie, तुम अपने हाथ पे ही लगा लो ना। I mean, तब जाके मुझे थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा। Come on, मानव, इतने सारे डिजाइन है, मैं सारे थोड़ी ना अपने हाथ पे लगा सकती हूँ। मैं सारे लगाने को बोल भी नहीं रहा हूँ। वो स्पेसिफिक वाला, इसके पहले वाला जो था, show me that. हाँ, जो सबको पसंद है, एटलीस्ट वो तो लगवा के दिखा सकती हूँ। ओके। वाह, awesome, अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ में। वाह, वेल, डिजाइन किसने चूज किया? मनीषा बेबी ने। क्या बात है, मानो इधर आओ ना, देखो देखो ये डिजाइन कितना अच्छा है ना। सिट। Wow, you're looking so gorgeous, baby. Wow, pretty good. वैसे मैंने कहा था, practically ज़्यादा अच्छी लगी। तो paper पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, नहीं? मानव, वो आपको ring देखनी थी ना? ये was the ring. Yep. Hey, beautiful. I'm sure ये एनी की चॉइस होगी। सी? वेल मानो, अब ये मत कहना हमारी एनी बेबी को कि वो अंगूठी पहन के दिखाए, ओके? इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू से दैट, पर मुझे लगा कि साइज का प्रॉब्लम होगा। तो साइज तो तुम्हारी भाभी का और मेरा सेम ही है। मिसेस खन्ना मुझे बोल कर गई थी, मेरे ही साइज की ऑर्डर की है मैंने। व्हाट आर यू सेइंग? सीरियसली? नो किडिंग, तो फिर पहन के दिखा। मैं कहती हूँ इतना शक मत कीजिए मिस्टर शकी। वैसे काश मैं आपके साथ होती जब आप उस इंसान से बात कर रहे होते। क्या मजा आता ना आपका चेहरा देखने का। यहाँ देखो वहाँ देखो, कुछ समझ में ही नहीं आया होता। तुम्हें तो कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए, हर बात पर मेरा मजाक उड़ाती रहती। अब आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगी तो पड़ोसी का उड़ाऊंगी। तुम सुधरोगे नहीं ना? नहीं, सॉरी। चाबी तो मैं ऊपर ही भूला है। तुम ये रुको, मैं अभी आता हूँ। और आइएगा। जल्दी आता हूँ। We'll be right back.
गीत। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको चाबी मिल गई? हाँ मिल गया। अब देखो, टीम तो बहुत सारी हो सकती है मानव, बट इट्स टोटली डिपेंड्स कि तुम क्या चाहते हो। यू नो, वी कैन हैव वेस्टर्न काउबॉय थीम या फिर जापानीज काबुकी फॉर्म। नो, होल्ड ऑन, मुझे टिपिकल इंडियन शादी चाहिए। घोड़े पे दूल्हा हो, लेडीज संगीत, यू नो, बैंड बाजा एंड कंप्लीटली ऑल दैट मोहल्ले टाइप का डांस। आई वांट इट कंप्लीटली इंडियन, नो वेस्टर्न। व्हाट? यकीन नहीं हो रहा मानव, तू जिसे सारा कॉलेज देसी अंग्रेज कहता था, जिसे सब कुछ अमेरिकन चाहिए होता था, आज अपने देश से इतना प्यार। अपने देश से दूर रहकर इतना तो मैं समझ गया कि हमारे यहाँ के संस्कार, हमारे यहाँ के वैल्यूज काफी मजबूत है कंपैरेटिवली। आई मीन वहाँ के देख लो आप, सारे रिश्ते 6 महीने में फिनिश हो जाते हैं, डिवोर्स एंड ऑल, और यहाँ के रिश्ते मरते दम तक चलते हैं। आई मीन देखा जाए तो 7 जन्मों तक। मेरे मॉम एंड डैड को ही देख लो, इस साल 31st एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आई मीन ऐसा लगता है अभी बस 2 हफ्ते पहले मिले, लाइक डेटिंग ईच अदर, वेरी क्यूट। और इन सब की वजह है इंडियन स्टाइल मैरिज, इंडियन इमोशंस, यहाँ के संस्कार। आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट मैन। इसलिए मैंने अंकल खन्ना से भी कह दिया कि अगर शादी होगी तो इंडियन तरीके से होगी। मानव, मुझे बहुत खुशी हुई है जान कि तुम US में रहने के बाद भी अपने देश और अपने कल्चर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, शादी की कितनी वैल्यू है तुम्हारी नजरों में। वरना कुछ लोगों के लिए तो शादी सिर्फ एक मजाक है या फिर खेल या फिर थोड़े से पैसे कमाने का एक जरिया। Really? किसकी बात कर? नोबडी इन पर्टिकुलर, ऐसे जनरली बोल रही हूँ, होते हैं कुछ लोग।